अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम लोग 12.3 स्टार्ट करेंगे। इसके हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वन और फाइव जो आपके शॉर्ट सिलेबस में, ठीक है। तो क्वेश्चन वन हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा हुआ है कि एक जो है ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं, राइट ट्राइंगल ABC। तो हमने लेट का लेना है अल्फ़ा, ठीक है। लेट अल्फ़ा बी रिक्वायर्ड वैक्टर। तो ये अल्फ़ा, अल्फ़ा के जो सामने वाला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हम ये ए बी सी, जैसे हमने पहले करते थे, इसको हाइपोटेन्यूज को सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बेस को बी से, और परपेंडिकुलर को हमने ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने हमें परपेंडिकुलर और बेस बताई हुई है क्वेश्चन में। ये हमारे पास कितनी है, 8 मीटर है और ये 6 मीटर है, 8 मीटर हमने अल्फ़ा फाइंड करना, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हम साइन अल्फ़ा लेते हैं तो सी हमें नहीं गिवन, साइन अल्फ़ा होता है 8a/c, जो सी हमें नहीं गिवन। जो चीज़ हमें गिवन, हम लोग वो वाला एंगल लेंगे। तो टेन अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 8 ओवर, बेस क्या है, 6। तो मतलब कि हमने टेन अल्फ़ा इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है, इक्वल टू। ये हमारे पास परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, a/b के। हमने साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू में गिवन, या तो आप पहले सी की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे हम सी की वैल्यू निकालेंगे, c² = a² + b², ये हमारे पास फार्मूला होता है, और यहाँ से सी की वैल्यू अपने a² + b² अंडर, ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सी की वैल्यू निकाल के फिर साइन अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा कोई सा भी एंगल ले के आप लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल, टैन, दूसरी तरफ जाकर क्या, टैन इनवर्स हो जाएगा, टैन इनवर्स 8/6। तो ये आपने कैलकुलेटर से निकाल लेना है, तो ये 53.13 डिग्री हो जाएगा। जब इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 53 डिग्री एंड 8 मिनट इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव का हुआ है, क्वेश्चन फाइव भी सेम है। यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड, यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना था क्वेश्चन वन में, और क्वेश्चन फाइव में हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं इसी तरह, जैसे हमने अल्फा एक एंगल लेट किए थे, लेट एल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एल हम लेंथ कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एल है, ठीक है। और ए बी, ये कोई सी ए बी सी ट्राइंगल है हमारे पास, और ये हमारे ये बी ए, और ये क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो और हमें गिवन ए ए परपेंडिकुलर हमें गिवन है, ए क्या गिवन है, 67.2, ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, और एक एंगल गिवन, एंगल हमारे पास 53 डिग्री हमारे पास, ये एंगल भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब हमने एल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा क्या लेंगे, यहाँ पर एंगल कितना, 55 डिग्री इक्वल टू a/c। तो साइन 55 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेनी, वो होती है 0.819। ए हमारे पास क्या है, 67.2, और सी क्या है, एल है। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेनी, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एल इक्वल एल इंटू 0.819 इक्वल टू 67.2, और यहाँ से एल किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये मैं इधर कर लेती, ठीक है। यहाँ से L किसके इक्वल आ जाएगा, ये 67.2 ओवर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.819। तो ये आपने कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आता है 82.04। L का जो है यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ये मीटर आप बेटा अपने यूनिट लाजमी लिखना, इसके भी नंबर होते हैं। तो यही क्वेश्चन आपके शॉर्ट सिलेबस में थे, अगर कोई मसला हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।